वेलकम फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये हमारा HDMI केबल है। तो ये हम 10 से 15 मीटर या 20 मीटर लंबा वाला वायर है। तो इसका ये HDMI का एक साइड का हमारा जो इसका कनेक्टर था ये ख़राब हो गया था, ठीक है। तो छोटा मोटा वायर रहता है 1 मीटर या 2 मीटर वाला, तो वो डायरेक्ट हम चेंज कर देते हैं। बट ये लंबा वायर है, थोड़ा महंगा रहता है, तो इसलिए इस पर मैं एक दूसरा कनेक्टर यहाँ ज्वाइंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, उसके लिए हम अलग एक छोटा वाला जो 1 मीटर वाला HDMI केबल आता है, तो वो हमें ले आना है और उसे बीच से काट के अलग कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, ये काट के तो अलग हो चुका है, बट यहाँ पे दो कलर्स कोड हैं, वो दोनों के जो हमारे लंबे वाले वायर हैं और ये छोटा वाला, दोनों का डिफरेंट है। तो ये प्रॉब्लम आई, फिर इसे हम जॉइंट कैसे करेंगे। तो देखो, उसके लिए हमें ये फीमेल कनेक्टर चाहिए, जो हम इसके दोनों तरफ ये एक साइड का जो ठीक वाला पिन है इस पर कनेक्ट करेंगे, और इधर जो हमने काट के अलग किया हुआ है ये वाले पे कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों पे हम चेक करते जाएंगे बारी बारी से कि कौन सा किसमें का है, फिर उसको ज्वाइंट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये वायर लंबा है, इसलिए मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे तो नहीं चेक हो पाएगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लेगा। तो इसको डायरेक्ट हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीरीज से इसे चेक करके देखते हैं। और हाँ, इसे जोड़ने के बाद ये हमारा केबल जो बनेगा ये काम कर रहा है कि नहीं, ये मुझे अभी नहीं पता। तो इसे जोड़ने के बाद मैं कनेक्ट कर लूँगा, फिर आपको बताता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, अब इसको मैं अलग अलग वायर्स को चेक करके दिखा देता हूँ कि कौन सा किस पे कनेक्टेड है। तो देखो, इन ये जो कलर्स हैं अलग से हैं, और यहाँ पे जो अलग वायर है इन्हीं को बस अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ, फिर इसको हम प्रॉपर जॉइंट करेंगे। देखो, तो ये है मेरा सीरीज है, तो यहाँ पे जब वायर जोड़ रहा है तो ये लाइट जलता हुआ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसके मैं येलो कलर पे लगाया हूँ, तो इधर कौन सा कलर पे जलता है देखते हैं। इधर ब्लू वाला कलर है, येलो हमारा ब्लू है, और ये जो वाइट है तो ये वाइट वाला तो नहीं है, ये तीनों पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज वाले पे लगाता हूँ, तो ऑरेंज वाला भी किसी पे शो नहीं किया। रेड वाले पे लगाते हैं हम, तो रेड वाला हमारा ग्रीन वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से, और जो ये पर्पल है ये हमारा मेकर रेड वाला है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर कौन से तार को ज्वाइंट करना है। चलो, तो इसको ज्वाइंट करते हैं अब। सभी तारों को प्रॉपर से जमा लेना है, और इस पे हम
सीलो का भी प्रयोग करेंगे और सोल्डिंग आयरन का भी। सबसे पहले ये रेड वायर को जोड़ते हैं, तो रेड वाले का कौन सा था तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। रेड हमारा ये ग्रीन, तो रेड और ये ग्रीन आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सीलो पहले हमें अंदर डाल देना है और इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। देखो ये रेड और ग्रीन ज्वाइंट हो गया। अब इसमें हल्का सा पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर देना है। तो ये अब हमारा प्रॉपर जॉइंट हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब ये सीलो को यहाँ पे लाना है और इसे गर्म कर देना है। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये एक प्रॉपर जॉइंट हो चुका है। इसी तरह बाकी सबको भी हम जॉइंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये अब इस तरह से जॉइंट होके पूरी तरह से रेडी हो चुका है ये वायर, ठीक है। तो अब इसको हम चलो चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा जो रिपेयर वाला HDMI केबल था, देख सकते हैं यहाँ से टेप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सेटअप बॉक्स पे यहाँ पे फिट हुआ है और ये टीवी पे लगा हुआ है, जो कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं टीवी हमारा दिख रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको निकालूँगा, से अगर मैं निकालता हूं तो टीवी हमारा बंद हो चुका, नो सिग्नल। और ये वाला जो रिपेयर वाला हमारा था HDMI केबल, ये वही वाला है, देख सकते हैं यहां से ये टेप लगा हुआ है। तो जैसे ही इसको लगाऊंगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा।
ये स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से ये केबल बिल्कुल वर्क करने लगा है। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका, मतलब ये केबल बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं।